Hello everyone, welcome back to my channel. This is Yama Arya and you are watching Yama's World. तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा जो आज का वीडियो है वो मॉनसून मेकअप वीडियो है. तो आइए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ मॉनसून सीजन में, वो मैं सारा कुछ यहाँ लेके बैठ चुकी हूँ. तो अब मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी कि क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरा मेकअप है वो बहुत देर तक स्टे करता है मेरे फेस पे. अगर बाय चांस हम कहीं जाते हैं बाहर मॉनसून में और बारिश हो जाती है, तो जो प्रोडक्ट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आप लोगों का भी मेकअप बहुत देर तक आपके फेस पे स्टे करेगा. सबसे पहला काम आप मॉनसून में ये कीजिए, नंबर वन, ऑयली फूड बिल्कुल मत खाइए. बाहर का स्ट्रीट फूड बिल्कुल मत खाइए. अगर आप ऑयली और बाहर का खाना या तेल वाला खाना या स्ट्रीट फूड्स खाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपके स्किन पे पिंपल्स निकलने लगेंगे. बहुत लोगों की स्किन ना बहुत ऑयली स्किन होती है जिनकी, उनके फेस पे ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी से आती हैं. फिर उसके लिए आप चाहे कितना भी मेकअप यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज़ कर लीजिए, वो थोड़ी बहुत देर तक आपका साथ देंगे. अगर आप मेकअप करेंगे तो वो छुप जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है. तो जितना हो सके आप ऑयली फूड्स को तो बिल्कुल मना ही कर दीजिए मानसून सीजन. तो हमेशा की तरह मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है. मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है. मॉनसून सीजन में फ्रेंड्स आप जितना कम मेकअप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपका मेकअप आपके फेस पे स्टे करेगा. और दूसरी बात, अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो आप ना बहुत कम से कम मेकअप रखिए. लेकिन अगर आपको कोई फंक्शंस में जाना है, कोई पार्टी अटेंड करनी है, तो ही आप थोड़ा हैवी मेकअप रखिए. लेकिन जहाँ तक हो सके मॉनसून सीजन में तो आप मेकअप बहुत लाइट और मिनिमम रखिए. मॉनसून सीजन में कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज आप करें तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आप ना वही प्रोडक्ट पिक करिए जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूट करता हो. आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप अलग लेंगे, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप अलग लेंगे. तो इससे अच्छा है मॉनसून, स्पेशली मॉनसून सीजन के लिए बस आप इतना कीजिए कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए हो, तो उससे आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा. तो अब मैं सबसे पहले अपना मॉइस्चराइज़र मॉनसून सीजन में बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाती हूँ. अब ये जो मेरा सनस्क्रीन है ये लोटस कंपनी का है और ये मैट जेल है. अब मैं जेल प्रोडक्ट मैं यूज़ इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरे ऊपर जेल अच्छे से वर्क करता है. अगर आपकी भी ऑयली या ड्राई स्किन भी है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप भी ये ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके फेस को ये सूट नहीं होगा, बिल्कुल सूट होगा. जेल बेसिस जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सभी के स्किन पे अच्छे से वर्क करते हैं. यहाँ मैं बात कर लेती हूँ मेरी टिप नंबर वन की. तो फ्रेंड्स मेरा टिप नंबर वन ये है कि जब भी आप अपना फेस का मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन आप खरीदने जाते हैं मार्केट, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखिए, आप कोई भी ब्रांड का कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, सनस्क्रीन ले लीजिए, बस आप एक काम करिए, आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे घुमाइए. प्रोडक्ट के पीछे आपको यहाँ एक मार्क मिलेगा. अगर ये ग्रीन कलर का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहीं पे ये ग्रीन की जगह अगर ब्लैक कलर का मार्क है तो आप वो प्रोडक्ट मत खरीदिए. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो ब्लैक कलर का मार्क होता है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको केमिकल्स मिलेंगे. और मॉनसून सीजन में क्या, आप कोई भी सीजन में जितना हो सके कम से कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज कीजिए. बाकी मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो डेली बेसिस पे हम लगाते ही लगाते हैं, लाइक अपना मॉइस्चराइजर हो गया, अपनी सनस्क्रीन हो गई, आप उसको ये चीज़ ज़रूर देख के खरीदिए. ये मेरा टिप नंबर वन है आपके. तो इतना सा आप अपना सनस्क्रीन ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भर भर के अपना सनस्क्रीन लगाएं, बस आपको लगाना कैसे है वो आप अच्छे से जान लीजिए. आपको
पूरा फेस कवर करना है आपके। अगर आप घर के बाहर जाने जा रहे हैं तो आपको अपने ईयर्स, गर्दन वगैरह जितना एरिया विजिबल है सनलाइट के लिए, आप उतने हिस्से में सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। तो अब हम लगा लेंगे अपना प्राइमर। फ्रेंड्स, ये मेबलिन का प्राइमर है बेबी स्किन। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, लाइट वेट है और बिल्कुल स्टिकी नहीं है। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए प्राइमर लगा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा लेना है हमें प्राइमर भी। प्राइमर आप ज़रूर लगाइए मॉनसून सीजन में। तो प्राइमर लगाने के बाद में आ जाते हैं हमारे बेस मेकअप पे। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि अपना फाउंडेशन उठा के रख दीजिए साइड में, उसको कर दीजिए टाटा बाय बाय। ये मेरा टिप नंबर 2 है। मॉनसून सीजन में आप जितना हो सके फाउंडेशन को बाय बाय कर दीजिए और अपना जितना हो सके फुल कवरेज का कंसीलर यूज कीजिए, वो आपको ज्यादा सूट करेगा मॉनसून सीजन में। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे मार्स का कंसीलर यूज करूंगी। ये जो मार्स का कंसीलर है इसका नाम है सील द डील कंसीलर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत अच्छे से आपके जो भी फेस पे थोड़े बहुत पिगमेंट्स है ये अच्छे से उनको सील कर देगा। और ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप मॉनसून सीजन में कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एकदम से वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो कंसीलर आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में आप कंसीलर यूज़ कीजिए। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद में हम लगा लेंगे अपने फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यहाँ पे कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। और मॉनसून सीजन में तो आप जितना हो सके कॉन्टोरिंग को स्किप ही कर दीजिए। ये है टिप नंबर 3। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो कॉन्टोरिंग को स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट आप यूज़ कीजिए अपना कॉम्पैक्ट पाउडर। बारी आ जाती है आई मेकअप की। तो फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन में सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि बहुत लाइट शेड्स आप यूज कीजिए अपने आई के ऊपर। जितना आप हल्का शेड यूज करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। लाइक आप लाइट कलर का पिंक शेड यूज कर सकते हैं, लाइट ब्राउन शेड आप यूज कीजिए, ऑरेंज शेड आप यूज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो डार्क कलर्स होते हैं लाइक ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो होते हैं आप उनको अवॉइड कीजिए मॉनसून सीजन में। तो जितना आप सटल लुक रखेंगे अपने आईज का उतना अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे अपना हल्का सा आई शेडो लगा लिया है, देखिए। तो अब बारी आ जाती है हमारे मस्कारा, आई लाइनर और काजल की। तो तीनों ही प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स आप वाटर प्रूफ यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपना आईलाइनर, मस्कारा और काजल लगा लिया है। और मैंने आईलाइनर के लिए और काजल के लिए यूज़ किया है मेरा प्लम का काजल। ये वाटरप्रूफ काजल है, मैं इसको एज आईलाइनर भी लगा लेती हूँ और काजल के लिए भी लगा ही लेती हूँ। तो अब बारी आती है ब्लश की। तो मैं ब्लश की जगह क्या करती हूँ, आप इसको मेरा नेक्स्ट टिप ही समझ लीजिए। आप ब्लश की जगह क्या कीजिए, आप ब्लश मत लगाइए, आप क्या लगाइए, आप हाइलाइटर लगाइए। पिंक शेड का हाइलाइटर यूज कीजिए आप, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपके फेस पे। एक तो हाइलाइटर भी लग जाएगा, वही आपका ब्लश की तरह काम करेगा। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरा कुछ इस तरीके का। इसमें भी हल्का सा गोल्डन पिंकिश काइंड ऑफ शेड है। मैं आपको दोनों का स्वैश दिखा देती हूँ। एक तो ये है और दूसरा जो पिंक शेड में है, यहां दिखा पिंक वाला, बहुत सटल सा इसका शेड है। तो मैं इसमें से पिंक वाला यूज करूंगी क्योंकि मुझे अपना ब्लश तो लगाना नहीं है।
तो मैं इसीलिए पिंक वाला यूज करूंगी हाइलाइटर। तो मैंने अपना हाइलाइटर लगा लिया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो पाउडर बेस्ड हाइलाइटर है, ये तो बारिश पड़ते ही फेस पे ये तो उतर जाएगा। तो इसका भी मेरे पास एक अच्छा ट्रिक या सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो बात कर लेते हैं अब हमारी लिपस्टिक की। तो मॉनसून सीजन में फ्रेंड्स आप ये समझिए कि बिल्कुल ही आप डार्क शेड्स को तो अवॉइड ही कर दीजिए। फिर भी अगर आपका मन है, आपको अच्छी लगते हैं डार्क शेड्स, तो आप यूज़ कीजिए, लेकिन अब वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, वाटर प्रूफ होने चाहिए। और मेरी एडवाइस में तो आप जितना न्यूड शेड यूज़ करेंगे उतना ही बेस्ट लगेगा। देखिए मैंने कुछ इस शेड की लिपस्टिक लगाई है। तो मेकअप हमारा यहाँ कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कम से कम प्रोडक्ट यूज करके भी आप इतना अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप अनमैरिड हैं तो ठीक है, लेकिन आप मैरिड हैं तो अपना जो सिंदूर है ना, वो भी वाटरप्रूफ मिलता है आजकल मार्केट में, तो आप वही यूज कीजिए। इतना मेकअप कंप्लीट करने के बाद में बारी आती है हमारे स्टार प्रोडक्ट की। तो ये स्टार प्रोडक्ट है हमारा फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर। यस फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन में अगर आप कोई एक बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर ढूंढ रहे हैं तो ये वाला मेकअप फिक्सर है फेसेस कैनेडा का। आप इसको ले लीजिए और आपका मेकअप देखिए कितने अच्छे तरीके से इंटैक्ट रहेगा, कितना ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेकअप आपका। आप बारिश में अगर बाहर चले भी जाते हैं, पानी आपके फेस पे गिर भी जाता है, तो भी ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके मेकअप को ना बहुत अच्छे से आपके फेस के ऊपर ना स्टिक करके रखेगा, कहीं से भी आपका मेकअप इधर से उधर हो नहीं पाएगा। तो ये बॉटल में फ्रेंड्स हमको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। ये पंप के साथ आता है, बहुत इजी है आपको यूज़ करने में। और ये मैंने नायका से परचेज किया था। आई थिंक मैंने इसका आपके साथ में अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पे, तो आप उसको भी देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना उसको। मैंने उसके अंदर इसका प्राइस वगैरह सब कुछ बताया है, फिर भी मैं चलो आपको बता देती हूँ। इसका मुझे प्राइस कुछ समथिंग 450 या 550 के अराउंड मिला था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है उसका प्राइस क्या है। और ये मैंने नायका से लिया था तो ये मुझे डिस्काउंट में मिला है। तो ये ज़्यादा आपके पॉकेट पे हैवी नहीं पड़ेगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पाउडर बेस्ड हाइलाइटर यूज़ किया है, उसको मैं कैसे अपने फेस पे स्टिक करके रख सकती हूँ, तो फ्रेंड्स यही वो प्रोडक्ट है जिसकी हेल्प से मेरा हाइलाइटर कहीं भी नहीं जाएगा। तो चलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, अपने आईज को क्लोज कर लीजिए, नहीं तो ये आपकी आँख में चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी मेकअप फिक्सर यूज़ करने से पहले या मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने से पहले आप अपनी आँखों को ज़रूर बंद कर लीजिए। अब फ्रेंड्स इसको यूज़ करने के बाद आपको जो फील होगा ना अपने फेस पे, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। लाइक ये इसकी बॉटल पे भी लिखा हुआ है कि ये नॉन स्टिकी है, प्लस ये हाइड्रेट रखेगा आपके स्किन को। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपके मेकअप को ना बहुत इंटैक्ट करके रखेगा। पूरा मॉनसून आप इसको यूज़ कीजिए अपने मेकअप के बाद में। जितना हो सके आप मेकअप ही अवॉइड कीजिए मॉनसून में, लेकिन हमको मेकअप करना ही पड़ता है, बाहर जाने के लिए भी हल्का फुल्का मेकअप तो करना ही पड़ता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप अपना ब्लश भी लगाते हैं ना, पाउडर बेस्ड ब्लश जो होते हैं हमारे, अगर आप उसको भी लगाते हैं तो भी ये आप लगाइए बाद में, लास्ट में पूरा मेकअप होने के बाद में आप इसको यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको आपके मेकअप का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद में देखिए कहीं से भी मेरी स्किन ना स्टिकी फील नहीं कर रही है। देखिए
और मेकअप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इतना हल्का मेकअप किया है फिर भी कितना अच्छा लुक आया है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का मॉनसून मेकअप वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।